हाय एवरीवन, दिस इज तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। पाकिस्तान से, फिर यहाँ बरतानिया से, पूरी दुनिया से, बल्कि मैं कहूँगा मुख्तलिफ ममालिक से बहुत से ऐसे दोस्त जो ह्यूमन राइट्स के मामला से जुड़े हुए हैं, इंसानी हकूक की बात करते हैं, वो अक्सर बेशतर हमें यानी वाओ टीवी को खबरें भेजते हैं और हम बड़े एहसान मंद हैं, थैंक्स टू देम। और फिर कुछ अपने ज़राए हैं, बाज़ औक़ात हम खुद तहकीक करते हैं और इन सोर्सेज की बिना पे या ज़राए की बिना पे बहुत सी खबरें जो हैं हमें बराह रास्त मिलती हैं। अब पाकिस्तान से जुड़ी एक और ख़बर हमें मिली, खानेवाल शहर पाकिस्तान का, मुल्तान के करीब एक बड़ा पुराना शहर है, मशहूर शहर है खानेवाल, साहिवाल और मुल्तान के बीच पंजाब का शहर है खानेवाल। वहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी का नाम आता तो एकदम माइंड में आता है कि कोई शहर को साफ़ करने वाला अदारा, ये वो सारा, और बाकी ऐसा ही है। वहाँ पे एक मसीही खातून 50 बरस की सलीमा रानी बीबी, ये 6 बच्चों की माँ है और ये बेचारी वहाँ स्वीपर हैं, खाकरोग हैं, अपनी जॉब कर रही हैं, बच्चों का पेट पाल रही हैं। अब इनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। इनका एक सुपरवाइज़र, मैं खबर थोड़ी सी पहले बता देता हूँ आपको ताकि आपको सियाको सबक का पता चले कि इस बहन के साथ ज़्यादती हुई और होती जा रही है, लेकिन इसको रोकना जो है उसके लिए आवाज़ बुलंद करना हम सबका फ़र्ज है। तो सलीमा रानी बीबी 50 बरस की, और ये खानेवाल म्यूनसिपल कमेटी में खाकरोप, जैसे मैंने अर्ज किया, 6 बच्चों की माँ, 4 बच्चे अभी छोटे हैं, माइनर हैं, और 6 की 6 बेटियाँ हैं, और ये पाकिस्तान में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ज़ाहिर बेटियाँ। तो अब इनके साथ क्या हुआ कि बहुत अरसे से इनका एक सुपरवाइज़र अजमल खान डुकी वहाँ पे एक कबीला है और बड़े वो पावरफुल लोग गिने जाते हैं, तो डुकी जो है मिस्टर डुकी अजमल खान, इन्होंने इनको मुसलसल हरासा कर रहे थे अपने किसी शैतानी जज्बे को ठंडा करने के लिए, और इन अदर वर्ड्स ओपनली इनको जिनसी तौर पे छेड़छाड़, और मैं क्या इस पर बात करूँ, यू अंडरस्टैंड, इनके पीछे पड़े हुए थे, इनके साथ गलत ताल्लुकात बनाएगी वो सारा, लेकिन इस चीज़ की हद होती है। मुसलसल जब इनको हरासा किया गया तो सलीमा रानी बीबी साहिबा ने, बहन है हमारी, इन्होंने तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्ट शिकायत कर दी, तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं उनको शिकायत कर दी कि ज़ाहिर हद हो गई, इंतहा हो गई, तो अजमल खान डुकी जो हैं इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। अब ये डुकी कबीला बड़ा वो इन्फ्लुएंशियल है, वहाँ के एक जो लोकल मेम्बर ऑफ पार्लिमान है PTI वाले, उनके साथ भी ताल्लुकात हैं, और ये भी सुना है कि उस्मान बुज़दार तक जो CM पंजाब है वहाँ तक इनके लिंक्स निकल आते हैं। अब हुआ क्या है, अब ज़ाहिर बीबी ने सिर्फ वो म्यूनसिपल कमेटी एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं बल्कि अब जो खानेवाल पुलिस है उसको भी इतला दे दी है कि मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है। अब उसके बाद क्या हुआ है कि मुसलसल अब प्रेशर डालना शुरू कर दिया है ये डुकी ने, अजमल खान ने, सलीमा रानी बीबी के ऊपर, उनको यहाँ तक कह दिया कि मैं तुम्हारी बच्चियाँ उठा लूँगा, क्यों कि अपनी कंप्लेन वापस ले लो। ज़ाहिर अब दाखिल दफ्तर तो हो गया मसला, कंप्लेन सरकारी रजिस्टर में आ गई है, तो अब एक्शन तो लेना पड़ेगा, कुछ हो या ना हो, जाकर इंसाफ हो। पाकिस्तान आपको पता है, या भारत जैसे मुल्क होते हैं वहाँ पे गरीब जो हैं वो फिर खुदा की अदालत पे छोड़ देते हैं, जब वहाँ से इंसाफ आता है तो फिर ये डुकी वगैरह जैसे लोग, ये फिर इनको पानी भी खुदा माफ करे नसीब नहीं होता, ठीक है जी। खुदा से डरना चाहिए कि आप गरीब को क्या कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, इस अदालत से बचेंगे फिर अटर्नल अदालत से तो नहीं बच पाएंगे, और मौका है कि अभी भी आप बचें। अब इस बहन का केस लगा हुआ है वहाँ पर लोकल अदालत में, पहले अगस्त में 2 पेशियाँ हुई, फिर 3 सितंबर को भी पेशी, अभी तक हमें पता नहीं कि उसके बाद क्या हुआ, रजहान होती जा रही है। तो अब इस बीबी को ये खबर आपको पता चल गई कि इनके साथ हुआ क्या है, सीधी सी बात कि ना सिर्फ खानेवाल पुलिस बल्कि पंजाब पुलिस जो है, खानेवाल पंजाब के अंडर ही आता है, और IG पंजाब को खुद एक्शन लेना चाहिए, और हमारे जो अपने मसीही MNAs MPs हैं ये उनके लिए छोटे छोटे केसेस जो होते हैं ये इन्हीं कामों के लिए बैठे हुए हैं। ऑनेस्टली मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि पता नहीं लेजिस्लेशन उन्होंने करनी है नहीं करनी, उनकी बात सुनी जाती नहीं सुनी जाती, तकरीरें कभी कभी करते हैं और अच्छी भी कर देते हैं पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर, लेकिन इस तरह के केसेस के ऊपर, और ह्यूमन राइट्स के जो मिनिस्टर हैं पंजाब के उनको भी एक्शन लेना चाहिए, वो भी मसीही हैं, और वज़ीर आला पंजाब को भी खुद एक्शन लेना चाहिए, वो छोटी छोटी बात पर नोटिस पर लेते हैं, अब उनका नाम भी इसमें आ रहा है। तो अब ये बहन जो है सलीमा रानी बीबी, इनको इंसाफ कौन देगा, रियासत पाकिस्तान ही देगी फिर कौन देगा, मतलब फिर सबसे ख़तरनाक बात मैं आपको बताऊं, अजमल खान डुकी ने बोला है केस वापस ना लिया, बच्चियों को तो उठान खुदा ना खासा
उठाने की धमकी दी है, बोला कि तुम पे ब्लास्फेमी के चार्जेस डाल दूंगा। अब ये देखे ना कि कितना ज़्यादा एक जुल्म है, और ये पहली दफ़ा नहीं, इससे पहले भी इस तरह के बहुत से केसेस हमें पता है, तारीख है, कि ब्लास्फेमी के नाम के ऊपर लोगों को जिस तरह डराया जाता है, धमकाया जाता है, और ज़िंदगियां भी कईयों की कीमती चली गई हैं। तो अब ये धमका रहा बंदा, कह रहे कि केस वापस ले लो, क्योंकि ज़ाहिर है अब इसकी भी रेपुटेशन जो है, वो साख जो है, इज्जत जो है, दाव पे लग गई है, क्योंकि सरकारी पेपर कट गया है, FIR वगैरह, शिकायत तो दर्ज हो गई है इसके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन में भी। तो अब ये देखें कि कितनी ज़्यादा परेशानी है इस बहन के लिए, और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक ये बहन अपनी जॉब पर भी नहीं जा रही, अपनी बच्चियों को लेके कहीं और चली गई है। अब वो प्रोसीडिंग्स के लिए कोर्ट में तो आएगी, ये जो भी होगा, लेकिन खुद सोचें कि अब वो खाएंगे कहाँ से, जॉब नहीं है उनकी, इसकी तनख्वाह भी रुकी हुई। ये भी मैं आपको बता दूँ कि जितना ज़्यादा जुल्म हो सकता है सलीमा बीबी के ऊपर हो रहा है, सलीमा रानी बीबी को इंसाफ देना पड़ेगा। आप आवाज़ बने, मैं भी बनने की कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश करूँगा कि जितने भी मुतलका ऐसे लोग हैं जो आवाज़ उठा सकते हैं, उन तक ये भेजूँ, और सोशल मीडिया के ऊपर भी शेयर करेंगे। और आप भी जो वाओ टीवी खुदा के फजल से आपकी इंडिपेंडेंट वॉइस है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और व्हाट्सएप पे भेजें, फेसबुक पे भेजें, जितना हो सकता है, ताकि आप सलीमा रानी बीबी की जो इंसाफ के लिए उनकी एक स्ट्रगल है, वो खुद सोचें कि कितना ज़्यादा जुल्म सह रही है, ना जाने कब से सह रही है, और हद हो गई। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो सलीमा बहन के कोलीग्स हैं, मसीही कोलीग्स हैं, उन्होंने खुद ये मंजर देखा हुआ जुल्म का, और उन्होंने कहा कि हम गवाही देने के लिए तैयार हैं, और क्योंकि ये उनके सामने ये हरासमेंट हुई है, सारा कुछ हुआ है, और एंड में तो कपड़े फाड़ दिए गए, इतने जुल्म की इंतहा हो गई अजमल ख़ान ये धरिंदे की जानब से, डुकी की जानब से। तो डुकी वहाँ का, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कि कबीला है, लेकिन जो मर्ज़ी हो जाए, इंसाफ इंसाफ है, इंसाफ मिलना चाहिए, हर पाकिस्तानी शहरी का हक है। तो आइए सलीमा रानी बीबी की आवाज़ बने, एंड बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। रिक्वेस्ट वही कि शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका और हमारा जो रबता है वो मजबूत से मजबूत तर होता जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। हेलो एवरीवन, दिस इज़ तस्कीन खान, और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।